गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप देख रहे हैं निकेत व्लॉग सर, मैं हूँ आपका निकेत। तो अभी का सीन है कि अभी रेडी वगैरह होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल चुके हैं हम इसको डॉक्टर को दिखाने। एक हफ्ता हो गया था कल, बट हम आज जा रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर क्या पता बैठता या आज नहीं बैठता, पक्का कन्फर्म नहीं है, पर जाते हैं दिखाते हैं। और इसकी डेट शीट आ गई है, पहला पेपर है इसका मैथ का, पहला पेपर इसका मैथ का है। तो अब इसको फ़ोन थोड़ी देर दूंगा मैं, सिर्फ इतनी ज़्यादा देर तो दूंगा नहीं, क्योंकि पेपर है तो पेपर में तैयारी वगैरह करेगा ये, नहीं तो उसको ऐसे मैं दूंगा नहीं फ़ोन। इसको अच्छे से तैयारी करवा के अच्छे मार्क्स लाने हैं पेपर में, तभी तो चलते हैं अभी। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया हुआ है। तो चलते हैं हम घर पे, डॉक्टर ने आना है गाइस मंडे को, बट मंडे को इसका स्कूल भी है। अब देखते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो गाइस अब हम करने लगे हैं लंच, टाइम देख लो ऊपर 2:35। यहाँ पे परोंठी है, यहाँ पे मैगी है, क्योंकि गाइस हमारा मन कर रहा था बड़ी देर से मैगी खाने का, तो इसलिए आज बनाई है। अब खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइस अभी नमन जा रहा है किसी के साथ, नहीं ताई के साथ। कहाँ जा रहा है? कुछ सामान लेने घर का। कब तक आएगा? तो अभी हम जाएंगे छत पे। तो गाइस अभी छत से जाने से पहले हमको एक और खुशखबरी मिल गई है। खुशखबरी है यहाँ पे देख रहे हो, HP का लैपटॉप जो हो रहा है अभी चार्ज, देख सकते हो तो भारी पड़ेगा। खोलना यार इसको, देख रहे हो लैपटॉप, पूर्विया का लैपटॉप है गाइस, देख सकते हो। 2 बज गए हैं, 3 बज गए सच। और ये लैपटॉप देख लो, अच्छा लैपटॉप है। कैसा लग रहा है आपको? देख सकते हो उसकी लुक वगैरह, आगे से स्लिम है, बिल्कुल नया फ्रेश पीस, 2 लाख का। देखा कितना सही है। तो गाइस इसी खुशी में तो पार्टी बनती है ना, पार्टी भी लेंगे इनसे, पार्टी चलेंगे पार्टी। तो चलते हैं अभी छत पे दूध वगैरह सेकने। गाइस अभी हम जा रहे थे कुछ सामान लेने, यहाँ पे देखो गाइस मम्मा आ गई। बड़ी जल्दी छुट्टी होगी आज हैं? चलते हैं अभी सामान लेने। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना डंबल, मैंने डंबल में क्या किया है कि जो डंबल है ना, मैंने अपने डंबल में इसको देखना, फंस गया है, नहीं फंस गया तो मैंने अपने डंबल में गाइस बता रहा था मैं आपको कि मैंने अपने डंबल में ना इसके ऊपर जो सेंटर फ्रेश का डब्बा लगा के मैंने ये डंबल बनाया था। तो डब्बे में से जो प्लास्टिक था ना वो मैंने निकाल दिया है, प्लास्टिक निकाल के अब मैंने इसको धूप में रखा है थोड़ी देर, धूप तो है नहीं, छांव में रखा है। तो ये ना पड़ा रहेगा, इसको 2 धूप और लगा के इसको पक्का मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ पे ना इसकी दरेड़े देखो, दरार आ रही है इसमें। तो मेरे को ख्याल से कि ये ना बिल्कुल अभी तक सेट नहीं हुआ है, हो गया ऑलमोस्ट, बट जो कसर रहती है ना वो नहीं है। तो ये तो हो गया कुछ एक्सरसाइज, ये डंबल नहीं है एक्चुअली, ये कुछ जैसे मैंने आपको बताया था ना ऐसे पीछे वाली बैक बैक के लिए, ये चीज़ के लिए बनाने के लिए, ये के लिए मैंने ये बनाया। तो अब मैं गया था शॉप पे, ये जो है ना ये पाइप, इसकी कटिंग करवाने गया था, बट इसकी कटिंग नहीं हुई। तो फिर ना मैंने भैया को पूछा, भैया इसे कैसे कटोएगी, अगर आप काट सकते हो तो काट दो। वो भैया बोलता कि नहीं, अगर आपके पास मशीन है आप मशीन से काट लो, अगर आपके पास आरी है बड़ी वाली उससे काट लो। मैंने बोला आरी भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, तभी तो आपकी दुकान में आया हूँ मैं कि भैया काट लो। तो फिर भैया ने क्या किया, भैया ने नहीं बोला ये ब्लेड होता है इस ब्लेड से काटो। मैं कितने रुपए का, 1000 रुपए का, मैं 1000 रुपए दिए ब्लेड लेके आया, अब मैं इसको काटता हूँ। फाइनली अपनी मेहनत से इसको काट लिया हुआ है, ये देख सकते हो बिल्कुल, ये इतनी मेरे हाथ में है, बाकी नमन के हाथ में, ये देखो। और ये रही आरी, इधर बैठ के हम काट रहे थे यहाँ पे। और मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है टाइमर का, मैंने टाइमर लगाया था कि मैं कितनी देर में काट सकता हूँ। मैंने 11 सेकंड में काट रहे हो आप बड़े से, यानी हाँ 11 मिनट 45 सेकंड में मैंने काटी है। गाइस हाथ इतने दर्द कर रहे हैं ना,
अब इसमें हम बनाएंगे डंबल। तो डंबल का मैंने डब्बा ला के रखा हुआ है, तो फिर अब जब बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। गाइस लगे हाथ ना, हमने दोनों के दोनों काट दिए हैं। ये देखो, एक खोला, दो, तीन। ये देखो लगे हाथ हमने दोनों काट दिए, मतलब तीन हो गए इसके पोर्शन। तो गाइस अभी बिस्तर वगैरह बिछा दिया हुआ था हमने यहाँ पे, देखो अभी हम पढ़ रही रहे थे इधर, जैसे मैंने बुक रखी इधर बैंटी उठाने लगा लाइट चली गई। अब टाइम हो चुका है कितना, 6:45, टाइम 6:45 हो चुके हैं। तो लाइट वगैरह आएगी फिर हम पढ़ेंगे, तो एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है। 6:15 मैं चल जाऊँगा ऊपर एक्सरसाइज करने, फिर लाइट आएगी फिर रात को पढ़ेंगे 2 घंटे। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने ग्राउंड में, क्योंकि लटकने वाली एक्सरसाइज हम ग्राउंड में करते हैं और लटकने के एप्स वाली वर्कआउट ग्राउंड में करते हैं, क्योंकि लटकना होता है ना ऊपर छत में कोई जगह नहीं है, इसलिए ग्राउंड में करते हैं। और एक और है वो, बाकी जो एक्सरसाइज होती है वो मैं छत पे करता हूँ, सीधी सीधी बात है। अभी इधर वाली ख़त्म करके फिर छत पे वाली करेंगे। एक्सरसाइज वगैरह करके आ चुके हैं हम, तो अब हम पढ़ेंगे। तो गाइज अब हम खाने लगे हैं डिनर। डिनर में बना है यहाँ पे चावल और साथ में वाइट चने। गाइज इतने स्वाद बने, मैंने टेस्ट किए, पापा ने बनाए हैं, इतने स्वाद बने हैं ना। और यहाँ पे थोड़ा सलाद, वही मूली वगैरह। तो अभी डिनर वगैरह करते हैं। तो गाइज अभी खाना वगैरह खा के नीचे आए थे ग्राउंड में, तो अभी हम करेंगे गाइज सैर खा पी के। तो करते हैं अभी सैर, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी सैर वगैरह करके आ चुके थे हम, तो अब हम खा रहे हैं कुछ मीठा क्रीमी बॉर्न। इसको करते हैं अनबॉक्स। तो गाइज अभी हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली हुई है, हर एक चीज़ की आजकल ना ट्रेंड में अनबॉक्सिंग ही होती है, खोलना कम ही अनबॉक्सिंग ज़्यादा। ये बिल्कुल हॉट डॉग की तरह लग रहा है, बस इसके अंदर ना इन्होंने वो डाल दिया हुआ है व्हिप्ड क्रीम, और इसमें एक कट मारा हुआ है, ये वाइट सी व्हिप्ड क्रीम। अब इसको खाते हैं। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। जिस जिसको आज का व्लॉग अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से शेयर करना। मिलते हैं गाइस जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जय माता दी।